रूस की वायुसेना से नेटो बहुत ज्यादा घबरा गया है, इसीलिए अब नेटो के 25 देश एक बड़े युद्धाभ्यास में जुट गए हैं और इस एक्सरसाइज में 250 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले नेटो ने अपने 5 फाइटर जेट दिखाकर पुतिन को डराने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या ये फाइटर जेट रूस का कुछ बिगाड़ पाएंगे? पुतिन को डराने के लिए नेटो ने कमर कस ली है। पुतिन की नींद उड़ाने के लिए बाइडेन का गैंग सुपर एक्टिव है। पुतिन यूक्रेन से भाग जाएं और यूरोप की तरफ मुड़कर ना देखें, इसके लिए रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक एयर अटैक की तैयारी लगातार जारी है। इसमें शामिल हैं नेटो के 5 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट। इसमें स्टेल्थ फाइटर F-35 है, इसमें बहुत ही भरोसेमंद F-16 है, इसमें बहुत ही फुर्तीला ग्रिपन लड़ाकू विमान है, इसमें यूरोप की शान यूरो फाइटर टाइफून है और इसमें हरफन मौला F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। ये विमान ऐसा धमाका करने के लिए तैयार हैं जो मॉस्को को तबाह कर सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के साथ यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत बड़े ठिकाने कलिनिनग्राद और वहां मौजूद मिलिट्री बेस को खत्म कर सकते हैं। ये फाइटर जेट इस वक्त यूरोप में अलग अलग जगह लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इनके टारगेट पर रूस है। ये तस्वीर है नॉर्वे की और यहाँ ओयरलैंड एयरबेस पर नेटो की वायुसेनाएं एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं, जिसका अंजाम रूस की मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म कर देना है। नेटो के सदस्य 14 देशों ने यहां अपने 150 विमान भेजे, जिसमें कॉम्बैट एविएशन की अलग अलग टीम है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है आर्कटिक चैलेंज 23। इसमें नॉर्वे के अलावा अमेरिका के फाइटर जेट, इसमें बेल्जियम के फाइटर जेट, इसमें द नेदरलैंड्स के लड़ाकू विमान है, इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड के साथ इसमें चेक गणराज्य की एयरफोर्स भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध के दौरान हो रहे इस युद्धाभ्यास का मतलब है कि नेटो आर्कटिक में पुतिन और उनकी फौज को घेर कर मारना चाहता है। नेटो से रूस की बहुत गहरी दुश्मनी है। रूस अमेरिका और नेटो को एक आंख नहीं भाता। नेटो का जन्म ही रूस को टक्कर देने के लिए हुआ था और अब इस युद्धाभ्यास में ये बात पुख्ता की जा रही है कि अगर ये मिलकर काम करेंगे तो पुतिन की एयरफोर्स इनकी मिली जुली ताकत के आगे जरा भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर ये पुतिन की वायुसेना पर कई गुना भारी पड़ने वाले हैं। ऐसा भरोसा इस युद्धाभ्यास के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। सवाल है कि क्या 5 की पावर दिखाकर बाइडेन और उनके साथी क्या पुतिन को डराने में कामयाब होंगे? क्या 5 की पावर देखकर पुतिन का गुस्सा पूरे यूरोप पर फूटेगा और यूक्रेन के बाद पश्चिम के कई देशों को रूस कुचल कर रख देगा? एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ ये 5 फाइटर जेट। नेटो के लिए पुतिन खतरा है और अब इस बहुत बड़े खतरे के खिलाफ ये 5 फाइटर जेट अब मिलकर लड़ना चाहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद पहला आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2008 में हुआ। ये वो वक्त था जब रूस की मिलिट्री पावर फिर से अपने पैर जमाने लगी। अमेरिका को लगा कि अब फिर से रूस से डरने की जरूरत है, उसका मुकाबला करने की जरूरत है और इस तरह उत्तरी यूरोप पर फोकस के साथ पुतिन की हवाई ताकत को मिलजुल कर चैलेंज किया जाने लगा। और फिर इस युद्धाभ्यास के लिए जिन देशों को एक बड़े अड्डे के तौर पर तैयार किया गया, उनमें बड़ा नाम नॉर्वे का है, दूसरा स्वीडन और अब फिनलैंड भी रूस के खिलाफ इस मोर्चे में शामिल हो चुका है। ये तीनों देश पुतिन को पसंद नहीं करते और अब रूस से बहुत बड़ा खतरा महसूस करते हैं। हाल ही में फिनलैंड नेटो में 4 अप्रैल को शामिल हुआ है और ये पुतिन को रोकने के लिए बहुत बड़े उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।
लेकिन क्या पुतिन अपने दुश्मनों के इस जमघट से डरेंगे या फिर वो यूक्रेन के बाद और यूरोप पर कूच करने के लिए आगे बढ़ेंगे? अब पुतिन तक पहुंचने यानी उनके शहर मॉस्को पर बमबारी के लिए क्या तैयारी है, बहुत गौर से देखिए। ये है अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान। ये उड़ान के दौरान ही F-16 फाइटर जेट की पेट्रोल टंकी फिर से भर देता है। इस प्रक्रिया को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं और इसके जरिए विमान लंबी दूरी तक ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास बड़े मिशन के लिए पेट्रोल होता है। इसी तरह F-35 स्टेल्थ फाइटर में ईंधन भरा जाता है। KC-135 टैंकर विमान से एक बूम यानी पाइप निकलता है और विमान की बॉडी में उस जगह जाकर फिट हो जाता है जहां पेट्रोल की टंकी है। ये नेटो या कहें पुतिन के दुश्मनों का युद्धाभ्यास है। उनका मकसद साफ है कि किसी भी तरह यूरोप के किसी भी इलाके से उड़कर मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचकर बमबारी करना और फिर वापस लौट जाना। ये पुतिन के खिलाफ बहुत ही हिम्मत वाला कदम कहा जाएगा। हालांकि इस युद्धाभ्यास का मकसद आर्कटिक के बर्फीले इलाके पर भी छाप छोड़ना है और ये रूस और नेटो के बीच एक बड़ा मुकाबला है जिस पर यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध हो सकता है। ये वो इलाका है जहां बर्फ लगातार गिरती है। कमांडो हमेशा एयरबेस की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। यहाँ की जिम्मेदारी स्पेशल फोर्स संभालती है। कोई साजिश ना हो पाए इसलिए बर्फबारी के बीच लगातार पेट्रोलिंग होती है। ये दुनिया का वो इलाका है जहां जून के महीने में ही तापमान माइनस में रहता है। आर्कटिक के इलाके पर असर दिखाने के लिए बाइडेन पहले ही बर्फ पर अपना खतरनाक जेट उतार चुके हैं। अमेरिका का F-35 ग्रीनलैंड में तैनात किया जा चुका है। ग्रीनलैंड एक तरफ से डेनमार्क यानी नेटो का इलाका माना जाता है। यहाँ की आबादी 50,000 भी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्रफल और लोकेशन की वजह से ये रूस के खिलाफ आर्कटिक क्षेत्र का सबसे बड़ा फ्रंट बन सकता है। बाइडेन अब नेटो के विमानों को इकट्ठा करके पुतिन को लगातार डरा रहे हैं। पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज क्यों कर रहे हैं और इसमें उनका फ्रंटलाइन फाइटर जेट F-35 सभी विमानों की अगुवाई कर रहा है। अमेरिका और रूस के भी किसी भी बड़ी टक्कर में अमेरिका सबसे पहला वार इसी फाइटर जेट से करना चाहेगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन का विमान इसे नहीं देख पाता और ये उसको पहले ट्रैक करके उस पर हमला बोल सकता है। दुश्मन के ठिकानों के करीब भी ये रडार से बचकर पहुंच सकता है और वहां बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका के पास अभी करीब 500 F-35 विमान है, लेकिन अमेरिका अब अपनी पूरी F-16 फ्लीट को F-35 से बदलना चाहता है और उसकी तैयारी है कि अमेरिका की एयरफोर्स में ऐसे करीब 2500 विमान होंगे। अमेरिका अब नेटो के अलावा अपने कई करीबी देशों को इस विमान से लैस कर चुका है। अमेरिका का इरादा साफ है, वो पूरे यूरोप को इसी फाइटर से बचाना चाहता है और आर्कटिक के इलाके में ये जहाज तैनात करके अमेरिका ने अपनी तैयारी दिखा दी। अगर अमेरिका ने F-35 के जरिए युद्ध किया तो पुतिन इसके खिलाफ अपना Sukhoi-57 फाइटर जेट लाएंगे। ये बहुत बड़ी टक्कर होगी जिसमें नुकसान का दायरा बहुत बड़ा होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट अगर एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो ये यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा और नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। ये डर इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है।